नबी ने फरमाया जब से आदम की नस्ल चली है ये दो नाम अल्लाह ने संभाल के रखे थे मेरे बच्चों के। आज तक किसी का नाम हसन हुसैन नहीं रखा गया। ये जन्नत के सरदार हैं, इन्हें करबलाओं में सर कटाने की क्या जरूरत थी। यहाँ सर नेजों पे चढ़ गए पर बदन टुकड़े टुकड़े हो गए और ये पैगाम सुना दिया कि दीन यूं जिंदा किया जाता है। ये यूं नमाजें पढ़ के दिखाई, सूरज सर पे यूं ढला और जोहर का वक्त दाखिल हुआ तो इमाम हुसैन अली मकाम ने उस जहर को बुलाकर फरमाया इनसे कहो हमें नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी मोहलत दे दो। जहर ने घोड़ा आगे बढ़ाया और शिमर से कहा जंग रोको हमें नमाज पढ़ने दो। उसने कहा हम तुम्हें नमाज में भी बदल करें। तो उन्होंने वापस आके अर्ज की हजूर वो नमाज की इजाजत नहीं दे रहे। तो आप कहते आधे इनसे जंग करो और आधे अल्लाह अकबर कहो। ये ऐसे नमाजी धरती ने कभी नहीं देखे, आसमान ने कभी नहीं देखे, फरिश्तों ने कभी नहीं देखे कि अपने खून से वजू हो रहा है या करबला की मिट्टी से तयम्मुम हो रहा है। खून आलूद पेशानियों के साथ, फवारा बने बदनों के साथ, टूटे फूटे आजा के साथ अल्लाहु अकबर। जब इन्होंने तकबीर पढ़ी होगी तो आसमान पे क्या हलचल मची होगी। जब इन्होंने सजदों में सर रखा होगा तो धरती ने क्या क्या गुस्से लिए होंगे।